ठीक भी है नहीं भी ठीक है, ये क्या जुमला है? गैस का बिल अच्छा इतने ज्यादा आ गया, 26,000 रुपया दिन के किराए के मकान को कैसे देंगे फिर? और जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, बहुत ही बेहद से ज्यादा। ये देखो कभी इतना इतना सा आटा लेकर आए थे, शर्मिंदा। ये कितने का लिया आटा आपने? 300 रुपए का आटा। ये 300 कितना सा आटा? 300 का आटा। ये तो आवाम के साथ मजाक है, बहुत जास्ती कर रहे हैं। घी देखो तो 500 का, 600 का पैकेट, किलो का पैकेट। 100 रुपए का। बाबर बंदा तब्दील हो रहा है, बाजार तब्दील हो रही है, तब्दीली नहीं आ रही तो महंगाई भी नहीं आ रही। नहीं आ रहा, पेट्रोल महंगा कर दे, हर चीज उन्होंने महंगी करी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हो, हर चीज महंगी। टेंशन ले लेके बंदे मर रहे हैं हार्ट अटैक हो, बंदा क्या करे। महंगाई कम होगी कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, मरियम नवाज आई, आगे कुछ कह नहीं सकते वैसे। अभी तक तो यही है कि उन्होंने बोला भी है कि भी राशन अभी हम देखते हैं, अभी तो गवर्नमेंट अब बनना स्टार्ट हुई है ना, इससे पहले तो महंगाई महंगाई। हाँ हाँ, कहा भी है कि मैंने राशन भेजा, घर घर राशन आएगा, घर घर मैंने राशन भेजा, आगे कुछ कह नहीं सकते। ऊपर वाले खा लेंगे लेकिन घरों में नहीं जाएंगे, घरों में नहीं राशन आएगा, दुकान से आएगा राशन। ये जो ऊपर जो काउंसलर बने हुए ना, ये अपने अपनों को भरना पड़ते हैं, गरीबों को नहीं देता कुछ भी है, खुद खाते हैं ये अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में खुद ले जाएंगे सब कुछ। सब कुछ खुद ही, तो वो तो कह रहे हैं घर घर पहुंचाएंगे ना, जब आएगा जब खुद जाके। अभी कुछ भी नहीं देंगे, पहले भी उन्होंने ऐसे किया था, किसी के घर में राशन नहीं भेजा था, खुद ही सब अपना भर भरा, एक आधे को दिया बाकी लेकर। रमजान बाजारों को तो वैसे कहा है, उम्मीद है रमजान बाजार लगेंगे, कहा तो यही है, आगे कुछ कहने उम्मीद तो है। वैसे हर महीने बाद बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। 50,000 का बिल आया, बंदा गरीब बंदा कहाँ से? हमारा बंदा बीमार है, 26,000 का बिल आया गैस का, बंदा बीमार है तो कहाँ से? बेटा घर का घर कौन मैनेज कर रहा है? बस थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, क्या करें। शर्म आती, 2-2 किलो आटा उठाते हैं, क्या है? कभी हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तो दिल से दुआ नहीं निकलती, बदवाएं दे रहा, हर कोई बदवाएं दे रहा। किसको कसूरवार समझती है इसका? इस वक्त तो अभी किसी का भी नहीं कुछ भी समझ रहे, ना नवाज शरीफ को कुछ कह रहे हैं, ना मुझको कह रहे हैं, मरियम नवाज को तो कह रहे हैं, जो भी बैठ जाए लेकिन हालात सही कर दे, बस हालात सही कर दे। मरियम नवाज साहिबा तो अभी आते बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बस अब देखेंगे उनके दावे कैसे, अगर कर देगी तो उनकी वाह वाह हो जाएगी, नहीं होगी तो इनको भी गालियां। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, महंगाई कम हो ज्यादा हो, वोट फिर भी नून लीग का। वोट तो खैर हमने भी नून लीग को दिया, क्यों झूठ बोल रहे हैं? कब से नून लीग को वोट दिए? हम शुरू से इनको ही देते हैं। तो अभी आप कह रही कुछ नहीं करेंगे तो फिर? मैंने तो यही कहा भी, उन्होंने बैठे हैं ना कुछ तो करेंगी ना, कुछ ना कुछ करेंगी, क्या उम्मीद क्या है? क्योंकि इससे पहले हमने देखे कितनी बार वजीर आला पंजाब चेंज हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, बाकी 300 यूनिट देंगे, आटा देंगे। बाकी ये गैसों ने बहुत तंग कर दिया, आवाम पागल हुई है, बेचारी बेवा, उनका भी शोर नहीं। आवाम तो लाइनों में लग गई है ना आटा लेने के लिए, और क्या सिला मिला?